साथ ही हम अब ठंडा पानी डालेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्लासिक टेस्ट में खुश आमदीद। आज हम बना रहे हैं दाम का शरबत, जो गर्मियों का एक ख़ास तोहफा होता है और बहुत ही बादाम की तो हम इसकी अफादियत बयान ही नहीं कर सकते, बहुत ही इसकी अफादियत है। तो अब हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। अब हम रेसिपी शुरू करते हैं। एक पाव बादाम है तकरीबन 250 ग्राम और रात को हमने भिगो दिए थे, फिर इनका छिलका उतार लिया है। अब ये दो तीन पानी मैंने धो लिया है और साफ पानी में डाले। तो अब हम इसको जग में डालकर सबसे पहले इसको ग्राइंड करते हैं, इसका पेस्ट बना लेते हैं। जग में डालकर हम इसको ग्राइंड करते हैं, दो तीन मरतबा बंद करके फिर चला चला के हमने इसका पेस्ट बनाना है और अच्छी तरह बनाना है। अब कढ़ाई हमने ऊपर रखी है, उसमें पानी डालते हैं। एक लीटर पानी है, एक किलो चीनी है, ये भी अब हम इसमें डालते हैं। इसको हिलाते रहना हमने, जब तक चीनी हाल ना हो जाए हमने हिलाते रहना, क्योंकि नीचे चीनी बैठकर फिर लगने शुरू हो जाती है नीचे। 5 अदद इलायची है, ये हम खोल कर दाने डाल दें या वैसे भी डाल सकते हैं, लेकिन इनको खोल कर डालेंगे। आप चाहें तो इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं या बादाम का एसेंस भी डाल सकते हैं। चम्मच मुसलसल हिलाते रहना है और हिलाते हुए इसको पकाना है हमने। चीनी अच्छी तरह हाल हो चुकी है, अब इसमें हम बादाम का जो पेस्ट बनाया है वो डालते हैं। अब इसको मुसलसल हिलाते रहना है, ये भी दूध की तरह इसको उबाल आता है और इसको छोड़ना नहीं चाहिए, पास खड़े होकर इसको पकाना है। तकरीबन 20 से 25 मिनट तक हम इसको पकाएंगे। अगर आप इसी दौरान चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, ताकि ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच सके और लोग इससे फ़ायदा उठा सके। माशाल्लाह बहुत अच्छा तैयार हो रहा है बादाम का शरबत। और अभी इसमें और भी कमी है थोड़ी सी, तकरीबन 5 मिनट तक हम और मज़ीद इसको पकाएंगे। और इसके तार वगैरह का कोई ऐसा नहीं इशू, बस हमने देखना है एंड में कि इसका ड्रॉप देर से गिरे, जो आखिरी ड्रॉप गिरता है वो। माशाल्लाह बिल्कुल अब बादाम का शरबत तैयार हो चुका है हमारा, इसको चेक करते हैं। देखिए, हम तार की तो नहीं कहते कि तार इसकी बनाएं, वो तो ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, तो बस ये इसकी निशानी होती है आखिरी ड्रॉप देर तक गिरे। और ये बिल्कुल रेडी है और फ्रिज में हम इसको एक माह तक आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। जैसे ही गर्मियाँ आती हैं तो गर्मियों के मशरूबात हम बाज़ार से ख़रीदते हैं, जो महंगे भी होते हैं और हमें उसकी क्वालिटी का भी नहीं पता होता। शरबत डालते हैं, मज़ीद चीनी की इसमें ज़रूरत नहीं होती। साथ ही हम अब ठंडा पानी डालेंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बादाम का शरबत बहुत अच्छा तैयार हुआ है। गर्मियों का ये ख़ास तोहफा होता है, ठंडक का एहसास होता है। बादाम का शरबत वैसे भी बहुत ही सेहतमंद एक मशरूब है, तो आप भी ज़रूर ट्राई करना। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।